मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तब मेरे डैड यहाँ पर पहली बार लेके आए। यस 7th स्टैंडर्ड में। आज मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि लोनावला वगैरह जाना है। मैं बस ऐसे ही एक शॉर्ट स्पिन पे निकला था और देखते देखते मेरे को दिखाई दिया कि यार 30 किलोमीटर ही आगे है लोनावला से, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, तो मैं वैसे ही आगे चला गया। आज तो मैं सोलो बाइक राइड कर रहा हूँ। ऐसे ही मैंने 2018 में ही जनवरी मंथ में ही सोलो राइड की थी। तब मैंने बाइक्स में कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह नहीं किए थे, लेकिन अभी किए, जिसका यूज़ बहुत हो रहा है अभी। तो अभी हम लोग देवगांव में पहुंच गए। इसके आगे अभी भी 20-25 किलोमीटर है लोनावला, तो मैं बस उतना अभी देवगांव का पोर्शन स्किप कर रहा हूँ। आपको ये वाली कार दिख रही है, इसको और मेरा काफ़ी देर तक चेसिंग था। मैं आगे जाता था, फिर वो वापस पीछे से आते थे। काफ़ी मज़ा आया, वो आराम लोनावला तक थे मेरे साथ, तो उसके बाद पता नहीं कहाँ। अगर आप लोग पुणे से आ रहे हो तो आपको यही वाला पोर्शन खराब मिलेगा, बाकी आगे का रोड बहुत क्लासी है। बारिश में ये वाला पूरा व्यू बहुत क्लासिक लगता है। जब भी मैं कार से जाता हूँ ये वाला व्यू बहुत एंजॉय करता हूँ। ऐसे कर्व पे बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। मतलब मेरे को बहुत जगह मजा आता है बाइक चलाने में, लेकिन ऐसे कर्व पे ऐसे कॉर्नरिंग का फील लेता हूँ मैं। रात में आप लोगों को ये व्यू देखना चाहिए इस साइड पे, ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ना, रात में बहुत क्लासिक लगता है ये। ऐसे लोगों की वजह से एक्सीडेंट होता है। तो अभी बस 12 किलोमीटर्स अवे है हम लोग लोनावला से। तो यहाँ पर एक वाटर पार्क है, अभी अब उस साइड से आ रहे हो मतलब पुणे की तरफ जा रहे हो तो वहाँ पर एक बार विजिट कर सकते हो। मैं नहीं गया हूँ कभी, लेकिन मैंने सुना है काफ़ी अच्छा है। तो जैसे ही हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर देंगे तो हम लोग लोनावला में एंटर कर देंगे। आप लोग देख सकते हो मुंबई की तरफ जाने के लिए वो रोड है और यहाँ से सीधा हम लोग लोनावला में जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद काफ़ी ट्रैफिक लगने वाला है हमें। बस एक एडवाइस दे रहा हूँ, जब आप लोग ऐसा वाला रोड क्रॉस करते हो तो चारों तरफ ध्यान रखो कहाँ से कौन आ रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ पर। तो प्लीज़ थोड़ा आराम से चलो यहाँ।
लास्ट टाइम जब मैं सोलो राइड करते हुए आ रहा था तब मैंने इस जगह पर चाय पी थी, एक आंटी थी जिन्होंने चाय और मैगी दी थी मेरे को। सो फाइनली वी रीच्ड, और अभी आप लोग जो ये मेरे राइट हैंड साइड पे जो भी वॉल देख रहे हैं वो एक्चुअली एक डैम की वॉल है। जब यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये ब्रिज बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप लोग देख सकते हो ब्रिज काफ़ी वाइड भी है, और बारिश के टाइम पे या फिर जब भी वहाँ दोनों तरफ पानी होता है, दोनों तरफ मतलब जब भी पानी होता है तो बहुत खूबसूरत दिखता है। थोड़ा जूम करके दिखा तो आपको, वो वाले पॉइंट पे जाते हैं, वहां से अच्छा व्यू आएगा आई गेस। I'm still walking by wearing a helmet. अगर मैं यहाँ से गिरा तो मेरी कहानी खत्म। किसी चीज को पकड़ के रखता हूँ मैं अभी। It's too deep, man. उधर वो दो लोग कैसे पहुंच गए पता नहीं मुझे। अब चलते यार, मस्ती नहीं कहीं। वो रहा टाइगर पॉइंट। मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, तो मेरे डैड यहाँ पर पहली बार लेके आए। यस 7th स्टैंडर्ड में, तो मेरे को इतना कुछ अट्रैक्शन नहीं था तभी, मैं बस खाने पे ध्यान देता। मुझे खाने को क्या मिल रहा है वही देखता था मैं। और बारिश के टाइम लेके आए थे हम लोग, मारुति 800 में आए थे यहाँ पर। और क्या बोलते हैं, कॉर्न का वो रोल रहता ना वो खाया था, मुझे पता नहीं उसको अभी क्या बोलते, पता नहीं याद ही नहीं आ रहा मुझे वो, तो वो खाया था हमने। अगर सिंगल हो तो 150 है और डबल है तो 200 है। तो देखो अगर आपको कभी राइड वगैरह करनी है तो आप लोग। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ, और तब तक आप लोग ये मेरा आते वक्त जो लोनावला का घाट लगा, घाट नहीं बोल सकते लेकिन जो कर्व्स लगे उसका टाइम लैप्स एंजॉय करो। 3, 2, 1।
यहाँ से मैंने मलाई चिक्की खरीदी, माय फेवरेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करो, शेयर करो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करो। बाय।